जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ है, पीडीपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई थी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान से। उन्होंने खुद अनंतनाग सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही कहा था कि पीडीपी राज्य की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बची 2 सीटों पर वो कांग्रेस का समर्थन करेगी। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई थी, जिसके बाद आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन में पहले ही सीटों का बंटवारा हो चुका था। कश्मीर रीजन की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू की 2 सीटों के साथ लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया था। पर अचानक ही पीडीपी की इस मामले में एंट्री हो गई। पीडीपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है और पार्टी ने उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। और जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां महबूबा ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हलचल मच गई और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ करना पड़ गया है कि पीडीपी इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल है, लेकिन कांग्रेस का चुनावी गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज बड़ी खुशी से औपचारिक रूप से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलकर लड़ेंगे। हमें विश्वास है कि इन 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दोनों पार्टियां 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टारगेट रखने में क्या जाता है, 400 क्या, 450, 500 रख देते। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियों के जरिए छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारी की जा रही है, इससे लगता है कि बीजेपी बौखलाहट में है। कांग्रेस उधमपुर, जम्मू और लद्दाख सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला से उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल 3 सीटों पर दोनों पार्टियां पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस उधमपुर से लाल सिंह और जम्मू से रमन भल्ला को टिकट दे चुकी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग से प्रभावशाली गुर्जर नेता और पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बाकी सीटों पर भी जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।